हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। कैम्पस्पेस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइएगा, आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कुछ चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम एंड रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अंदर हमने डिस्कवरी एक्सपेरिमेंट, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्डफील्ड एक्सपेरिमेंट होता है, उसके बारे में डिस्कस किया। और फिर मॉडल किस तरीके से बनाया गया, किस तरीके से मॉडल को बनाया गया था, ये सब बातें डिस्कस की। और वहीं से हमने न्यूक्लियस जैसी चीज़ को भी डिस्कवर किया, न्यूक्लियस के बारे में भी स्टडी किया। तो उसी न्यूक्लियस से रिलेटेड कुछ बातें आज मैं करने वाला हूँ आपसे। अब न्यूक्लियस के बारे में हमने डिस्कवरी हो चुकी है, तो अब बातें आती है, सबसे पहली बात आ जाती है कि एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है। कुछ टर्म्स हैं जो कि डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए। एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को। एटॉमिक नंबर क्या चीज़ होती है, एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। एटॉमिक नंबर की अगर सिंपल डेफिनेशन मैं बताऊं तो क्या होता है बेटा जी, न्यूक्लियस जो चीज़ होती है, हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, ये देखो न्यूक्लियस में लिख दिया इधर मैंने। न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वही किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर होता है। यानी कि अगर मैं डेफिनेशन बोलूँ इसकी, तो इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रखे गए प्रोटॉन का नंबर ही, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जो जितने भी प्रोटॉन्स रखे हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं। यानी कि जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, पी के होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। दिस इज डिफाइंड एज एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं आपसे, एक और टर्म आ जाती है हमारे पास, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। अगर इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। अगर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन जितने भी रखे हैं, उन दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो उसी को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं। अगर मैं सिंपलेस्ट डेफिनेशन बताता हूँ इसको, इसकी आपको, इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की जो नंबर होगा, उन दोनों को ऐड करने के बाद जो आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास कहते हैं। इफ वी डिफाइन ए फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एन, तो एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या हो गया, ए इज इक्वल्स टू, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। दिस इज डिफाइंड एज दी फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक मास। अब मैं आपसे बात करता हूँ, एग्जाम्पल की बातें करता हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। देखिएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास आपको समझ आया होगा। सबसे पहले मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बताता हूं, जनरल रिप्रेजेंटेशन, ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, देखिएगा जरा। सपोज दैट हम लोग कहते हैं कि मान लो एक एक्स कोई एलिमेंट है, एक्स एलिमेंट है, उसका जेड जो है एटॉमिक नंबर होता है वो इस तरीके से जेड आपको लिखा हुआ मिलेगा।
ए एटॉमिक मास होता है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ मिल सकता है, या कुछ इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको। इस तरीके से लिखा हो तो भी गलत नहीं समझेंगे आप उसको, ये भी रिप्रेजेंटेशन का वे होता है। जेड और ए इस साइड लिख दिया गया हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ जो कि बहुत ईजी सा होगा। देखिएगा, जैसे सपोज दैट सोडियम होता है हमारा, मान लो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11 एंड एटॉमिक मास इज 23। अगर एटॉमिक मास 23 है, आपसे पूछ लिया जाए कि बेटा जी हमें ये बता दीजिएगा कि सोडियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने न्यूट्रॉन्स हैं और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर आस्क्ड इन द क्वेश्चन टू यू, दैट इज हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन आर देयर इन द सोडियम एटम। तो न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन निकालने के लिए प्रोटॉन इज इक्वल टू, मैंने जेड बताया था, यानी जेड इज इक्वल टू प्रोटॉन होता है, और जेड कितना है यहाँ पर 11 है, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाते हैं 11 हो जाते हैं। उसके बाद हम एक बात जानते हैं, सिंपल सी बात, ए इज इक्वल टू पी प्लस एन होता है हमारे पास, एटोमिक मास इज इक्वल टू पी प्लस एन। एटोमिक मास दे रखा है हमें 23 इज इक्वल टू प्रोटोन, हमने 11 निकाल लिया, न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे यहाँ से, न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 12। सिंपलेस्ट तरीके से आ गया, न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 12। और दूसरा तरीका डायरेक्ट वे बता देता हूँ मैं आपको, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, जो नंबर आता है वही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होता है हमारा। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहाँ था, इलेक्ट्रॉन्स की बातें आती हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बातें आती हैं। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको कहाँ पर देखना है, सोडियम के राइट साइड कॉर्नर पर देखना है, ऊपर टॉप राइट साइड कॉर्नर पर। अगर आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब वहाँ पर जीरो लिखा हुआ है। और जब जब जीरो लिखा हुआ है, जब जब यहाँ पर जीरो लिखा होगा, तो प्रोटोन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर। प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों का काउंट क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स भी यहाँ पर 11 ही होंगे। अगर एक और एग्जाम्पल की बात मैं करूँ, यहाँ पर देखिएगा एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। अगर ये ऐसा लिखा होता, सोडियम 11 23 और एक पॉजिटिव चार्ज लिखा होता, तो अब आप प्रोटोन निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे और इलेक्ट्रॉन भी काउंट करेंगे यहाँ पर आप। प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही होगा, ये जो नीचे नंबर लिखा है ये 11 प्रोटॉन्स ही हैं। नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे जो कि 12 होगा। इस प्लस साइन के लगने से केवल चेंज होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज होंगे, और जितना भी प्लस चार्ज क्यों ना लगाओ, जितने भी प्लस चार्ज ऊपर लिखे होंगे, उतने ही प्लस चार्जेस को आप नीचे वाले 11 जो लिखा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो 1 प्लस लिखा है तो 1 माइनस कर दीजिए वहाँ से, तो इलेक्ट्रॉन्स इस बार कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। सो ये तरीका है हमारा, दिस इज द मेथड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन एन आयन, किसी भी एटम आयन किसी के अंदर भी आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट कर सकते हैं इजीली। दिस ये वाला मेथड आप यूज करके इजीली। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नेगेटिव चार्ज का कुछ नहीं बताया, नेगेटिवली चार्ज देख लीजिएगा आप एक बार। नेगेटिवली चार्ज किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मान लो सपोज दैट फ्लोरिन ले लिया जाए 9 19, और माइनस चार्ज ले लिया हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। अब आपको बताना है कि प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स को आपको काउंट करके बताना है। तो प्रोटॉन तो वही नंबर है, प्रोटॉन तो बराबर कितने के है, 9 के बराबर ही होगा, जितना कि आपको नीचे नंबर लिखा हुआ दिख रहा है वही प्रोटॉन के इक्वल होगा। न्यूट्रॉन क्या होगा, नीचे वाले नंबर को आप ऊपर वाले में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा, न्यूट्रॉन विल बी इक्वल टू 10। एंड इलेक्ट्रॉन दिस टाइम, अब माइनस चार्ज जब लगाया तो नीचे वाले नंबर में एक ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि माइनस लगा, जब भी माइनस लिखा होगा तो ऐड करना है, प्लस लिखा होगा तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9 + 1 इज इक्वल टू 10, दिस टाइम द इलेक्ट्रॉन्स विल बी 10। तो ये सब मेथड है, ये दीज आर ऑल द मेथड्स टू कैलकुलेट प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आयन और आयन। सो यू कैन इजिली कैलकुलेट ऑल दिस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम और आयन। अगर ये बातें क्लियरली आपको समझ आई हैं, तो फिर मैं आपको लेकर के चलता हूँ इजी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को यूज़ करके हम लोग कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ें क्या आती है वो, सबसे पहले बात करता हूँ मैं आइसोटोप के बारे में। आइसोटोप, व्हाट इज ए आइसोटोप, आइसोटोप देखिएगा समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आइसोटोप को आप दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, याद लंबे टाइम तक अगर आप याद रखना चाहते हैं तो इसको समझिएगा। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम होता है।
अब टॉप लेटर बच हमारे पास वर्ड बच गया टॉप। टॉप में लेटर आ रहा है पी। पी का मतलब हमारे एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन। पी मीन्स प्रोटॉन। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन बना सकते हैं हम यहाँ से, सब्सटेंसेस या एटम्स, वी कैन से एटम्स, या फिर वी कैन से एलिमेंट्स, विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस और विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। जिनका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा? सेम होगा, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा, उन सबको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स कहते हैं। देखिएगा, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर। आपने हाइड्रोजन सुना है, हाइड्रोजन 1H1 होता है, हाइड्रोजन 1H2 भी होता है और हाइड्रोजन 1H3 भी होता है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर, देख पा रहे होंगे, तो देखिएगा सबका एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? सेम है, 1 है। तो ये सब क्या हो गए? आइसोटॉप्स हो जाते हैं। इसी तरीके से कार्बन के आइसोटॉप्स होते हैं। कार्बन 6 12 भी होता है, कार्बन 6 13 भी होता है, कार्बन 6 14 भी होता है। सबके पास एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन का नंबर कितना है? 6 ही है। तो सब के सब क्या है? आइसोटॉप्स हैं कार्बन के। उसके बाद नाइट्रोजन की बातें कर करूँ, नाइट्रोजन 7 14 होता है हमारे पास, नाइट्रोजन 7 15 भी होता है हमारे पास। तो प्रोटॉन का नंबर या एटॉमिक नंबर दोनों में क्या है? 7 है। सो दीज आर दी आइसोटॉप्स ऑफ नाइट्रोजन। अगर ये बातें आपको क्लियरली समझ आई हैं तो फिर आइएगा हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। आइसोटोप के बाद मैं आपसे बताता हूँ आइसोबार्स क्या होते हैं। व्हाट इज ए आइसोबार? आइसोबार किसे कहते हैं आप? देखिएगा, ये जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको याद रखने के लिए, इनको यूज़ करके अगर याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक आप याद रख पाएंगे। आइसो को अलग कर लीजिएगा, बार को अलग कर लीजिएगा। हम लोग जानते हैं आइसो का मतलब सेम होता है। आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स। बार को आप कैसे याद रख लो बेटा जी? भार से याद कर लो आप। भार मीन्स मास, बार मतलब भार, भार से बार और भार देखो कनेक्टेड सा लग रहा है थोड़ा सा। भार मतलब, भार का मतलब क्या होता है? वेट, मास होता है। तो यहां से आप क्या समझ पा रहे होंगे? डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, विच हैव एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक मास अगर एटॉमिक मास सेम है तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी? अपने आप डिफरेंट हो जाएगी। बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, दैट सब्सटेंस इज नोन एज आइसोबार। दैट इज नोन एज दी आइसोबार। तो एग्जाम्पल विल बी, हम लोग जानते हैं कि आर्गन जो गैस होती है वो 18 नंबर पे आती है, एटॉमिक नंबर इज 18। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, लेकिन बेटा जी मास सबका कितना होता है? 40 होता है मास। मास विल बी इक्वल टू 40। तो मास सबका क्या है? सेम है, सेम मास है, यानी कि आइसोबार्स हैं। और आइसोबार हैं तो मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ये एग्जाम्पल हो गए आइसोबार्स के। उसके अलावा कार्बन 6 14 होता है हमारे पास, ऐसे ही नाइट्रोजन 7 14 भी होता है हमारे पास। देखिएगा मास क्या आ गया दोनों का? सेम आ गया कि नहीं आ गया? ये बातें क्लियरली आप समझ पा रहे होंगे सारी चीज़ों को। ऐसे ऑक्सीजन 8 17 होता है, ऐसे क्लोरीन्स, सॉरी 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 दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोबार्स। इनको आप आइसोबार कह सकते हैं। दीज आर नोन एज आइसोबार्स। सो
तो ये आइसोबार को याद करने के कुछ मेथड्स मैंने बता दिए, डेफिनेशन बता दी और साथ ही साथ एग्जांपल्स भी बता दिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, आइसोटोन्स क्या होते हैं। व्हाट आर आइसोटोन्स? आइसोटोन्स को फिर मैं फर्दर कहता हूँ आपको कि डिवाइड कर लो इनको, आइसो को अलग कर देंगे और टोन को अलग कर देंगे। आइसो मीन्स सेम, टोन में लेटर आ गया एन, एन से हमारे एटम के अंदर क्या चीज़ होती है, न्यूट्रॉन। तो ऐसे एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स या एटम्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनका न्यूट्रॉन का काउंटिंग क्या होती है, न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, सेम होता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोन्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझिएगा जरा, फटाफट से आ जाइए। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कार्बन 6 13, नाइट्रोजन 7 14। बेटा जी फटाफट से मुझे बताइए, कार्बन 6 13 में न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6 को आप 13 में से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 7। यहाँ पर अगर न्यूट्रॉन्स की काउंटिंग आप चेक करेंगे तो 7 को आप 14 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, 7 आएंगे। सेम न्यूट्रॉन्स हो गए, इसका मतलब क्या है, आइसोटोन हो गए कि नहीं हो गए। ऐसे एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 15। 6 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 14 में से, न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा आपके पास, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। 7 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 15 में से, तो आपके पास न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएंगे। तो न्यूट्रॉन का काउंटिंग दोनों में क्या है, न्यूट्रॉन का नंबर दोनों में सेम है, इसीलिए इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, आइसोटॉन्स कह रहे हैं। सो अगर ये बातें आपको समझ आई क्लियरली, तो फिर आइएगा मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझाता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर लेके चलता हूँ। फटाफट से आइए, जल्दी से मेरे साथ बने रहिए, जल्दी से इजी ट्रिक्स से सारी चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिएगा कैम्प स्पेस चैनल। आइएगा एक और एग्जांपल, एक और चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। एक और चीज़ क्या है, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, फोर्थ टाइप की चीज़ होती है हमारे पास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक को भी हम लोग क्या करते हैं, फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दोज एलिमेंट्स या दोज सब्सटेंसेस, दोज एलिमेंट्स या फिर एटम्स या फिर आयंस भी हो सकता है, विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, सेम होगा, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे सपोज दैट, बेटा जी देखिए एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, नियोन गैस आता है 10 नंबर पे, एटॉमिक मास है 20। अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए बोला जाए तो आप इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, क्योंकि चार्ज 0 है, तो प्रोटॉन इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 10 हो जाएंगे। अगर मैं बोलता हूँ आपको सोडियम 11 नंबर पे आता है, एक प्लस चार्ज लगा हुआ है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भी 10 है। अगर मैं आपको कहता हूँ मैग्नीशियम, जो कि 2 पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, 12 नंबर पे आता है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाते हैं। अगर मैं आपको बोल दूँ एलुमिनियम, जो कि 13 नंबर पे आता है, 3 पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोलूँ फ्लोरीन, जो कि 9 नंबर पर आता है, -1 चार्ज लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी 10 हो जाते हैं। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 2- चार्ज लगा दिया जाए तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाते हैं। नाइट्रोजन 7 नंबर पे आता है, 3- चार्ज लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी क्या हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं। ऑल दीज स्पीशीज आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, क्योंकि सबके पास इलेक्ट्रॉन का काउंट कितना है, इलेक्ट्रॉन का काउंट सबके पास कितना कितना है, 10 10 ही है।
अगर और एग्जाम्पल समझना चाह रहे हैं तो और एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ मैं आपको। देखिएगा और एग्जाम्पल क्या समझेंगे, आर्गन होता है 18 नंबर पर, 40 इसका एटॉमिक मास होता है, तो आर्गन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हम लोग क्लोरीन की बातें करें, क्लोरीन 17 नंबर पे आते हैं, एक माइनस चार्ज लगा दें तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन 18 हो जाते हैं। सल्फर की बात करो जो कि 16 नंबर पे आता है, 2 माइनस चार्ज लगा दें तो इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 18 हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिएगा पोटेशियम जो कि 19 नंबर पे आता है, एक प्लस चार्ज लगा दिया जाए तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाते हैं। कैल्शियम अगर 20 नंबर पे आता है और 2 प्लस चार्ज लगा दे तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास भी 18 ही हो जाएंगे। स्कैंडियम जो कि 21 नंबर पे आता है, 3 प्लस चार्ज अगर इस पर लगा दिया जाए तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स 18 हो जाते हैं। सो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल्स, ये सब आप एग्जाम्पल्स इजीली समझ सकते हैं और इजी, बहुत ही इजी से एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे आइसोटोप हो, चाहे आइसोटोन हो, चाहे आइसो बार्स हो, सबके इजी इजी एग्जाम्पल्स दिए मैंने। आई होप आपको सबको ये सारी चीज़ें क्लियरली समझ आई होंगी। और बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट्स, बोर मॉडल ऑफ एटम के लिए क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ और देखते रहेगा कैम्प स्पेस चैनल को। और चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और आपसे आपको सारी वीडियोज़ लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहें और आप कोई भी वीडियो छूटे ना आपसे। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और सब लोग खुश रहिएगा, सब लोग मुस्कुराते रहिए, अपने अपने घर पे रहिए, हेल्दी रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।